हेलो दोस्तों, मैं शिवू सर चाणक्य अकेडमी से आप लोगों का तहे दिल से अभिनंदन आभार व्यक्त करते हैं। कैसे हैं आप लोग सर? आज से हम लोग की औसत पार्टियों की कक्षाएं आरंभ होगी सर, जिसमें हम लोग पिछले दिन के क्लास में 16 क्वेश्चन पढ़े थे सर। आज हम लोगों का स्टार्ट होगा सर, पहला सवाल सर जो रहेगा औसत चाल से संबंधित सर। किससे संबंधित? औसत चाल से संबंधित प्रश्न। जैसे ही 17 नंबर सवाल हम लोग का 16 पढ़ चुके थे, 17 स्टार्ट होता है सर। जैसे कहेगा ना कि एक व्यक्ति 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्थान ए से कहां तक? बी तक बस द्वारा जाता है तथा वापस, हो गया, बी से स्थान ए तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है, तो उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। औसत चाल ज्ञात कीजिए, प्रश्नवाचक। देखिए होता है क्या सर ना, कि बनाने के तो कई नियम होते हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका देखिए, x बराबर कितना है दोस्त? 40। y बराबर कितना है? कितना सर? हाँ सर, कितना सर? 60। और हम लोग को निकालना है औसत चाल बराबर होता है दोस्त 2 × x × y अपान x प्लस क्या y। अब हम लोग करेंगे 2, x का मान कितना? 40, y का मान कितना सर? 60 बटा में 40 प्लस 60 सर। अब आप बताइए, इसको जब हम लोग सॉल्व करना चाहते हैं तो यहाँ पर करते हैं 2 × 40 × 60 बटा में दोनों को जोड़िए 100, 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, 2 × 8 8 × 6 48, आंसर आ जाएगा 48 किलोमीटर प्रति घंटा सर। कोई दिक्कत? यदि आपको कोई भी दिक्कत होती है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं सर, जल्दी से देख लीजिए सर। देखिए x बराबर 40 है, y बराबर कितना? 60। फार्मूला औसत चाल बराबर 2xy बटा में x प्लस क्या y सर। चलिए सर, प्रश्न नंबर हम लोग का 18 सर। क्वेश्चन पूछता है कि एक व्यक्ति x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्थान ए से बी तक बस द्वारा जाता है तथा वापस बी से स्थान ए तक y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है, y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है, तो उसकी औसत चाल बताइए। तो उसकी औसत चाल बताइए। पहला ऑप्शन सर x प्लस y अपन 2, दूसरा ऑप्शन होता है ये x × y बटा में x प्लस y, तीसरा ऑप्शन सर 2xy बटा में x − y, और चौथा विकल्प 2x × y अपन x + y, और ई वाला ऑप्शन ना नाप दिए सर, यही है सर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हमें इसका आंसर कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं कौन सा विकल्प सही है सर। कोई दिक्कत? गुड। क्वेश्चन नंबर 19 बाबू, कह रहे ना कि एक व्यक्ति, हाँ अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्थान ए से बी तक बस द्वारा जाता है तथा वापस बी से स्थान ए तक 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है, तो उसकी औसत चाल बताइए। तो उसकी औसत चाल बताइए, औसत चाल बताइए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए सर। कोई दिक्कत? चलिए, क्वेश्चन नंबर ये था 19वां। अब हम लोग का स्टार्ट होता है 20 नंबर सर। देखिए
बीसवां क्या कहता है सरना, कहेगा बाबू कि एक आदमी तीन समान दूरियों को क्रमशः 10, 12 और 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है उसकी औसत चाल बताइए। तो उसकी औसत चाल बताइए सर, यही क्वेश्चन है सर। देखिए दोस्त, ए बराबर 10, बी बराबर 12 और सी बराबर कितना, 15। कोई दिक्कत? और दूरी जो होती है ना, सब हमेशा बराबर ही होती है सर ऐसे सवालों के लिए। तो हम लोग लगाते हैं सर, औसत चाल बराबर हो जाएगा, 3 बार है तो 3ABC अपान, देखिए ABC, और एक कोर्स आता है BCA, BC और क्या A, बीच में क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे सर। अब देखिए, 3 गुणते, A का मान 10, B का मान 12, C का मान 15, बटा में A का मान 10, B का मान 12, गुड, B का मान 12, C का मान 15, प्लस C का मान सर जी कितना, 15, और A का मान सर, A का मान कितना, 10 हो गया। इसका सॉल्व करके नीचे हमें कमेंट्स बॉक्स में बताएं सर। इसका आंसर आएगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा सर। कटा दें, कोशिश करिएगा सर, नहीं आएगा कोई बात नहीं सर, हम आपको बताएंगे सर। चलिए सर, अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21, 21 नंबर सर। 21 नंबर कहेगा बाबू ना कि एक आदमी तीन समान दूरियों को क्रमशः, हो गया यक्स कामा वाई और जेड, किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है तो उसकी औसत चाल बताइए। तो उसकी औसत चाल बताइए सर। चलिए, पहला ऑप्शन दोस्त लिखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड अपान यक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। दूसरा विकल्प 3xy जेड अपान यक्स वाई प्लस वाई जेड माइनस जेड एक्स। चौथा ऑप्शन 3xy जेड अपान यक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। और चौथा ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं है, इनमें से कोई नहीं सर। स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए और इसका उत्तर हमें जल्दी से बताइए सर। गुड, चलिए सर, ये था 21 नंबर सवाल सर। क्वेश्चन नंबर आगे मिटा रहे सर, इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए सर, जो भी है सर, ए सही है कि बी सही है कि सी की डी अपना। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग का सर 22 कहेगा सर ना कि एक व्यक्ति 200 किलोमीटर की दूरी, 200 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा 300 किलोमीटर की दूरी हो गया दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है तो उसकी औसत चाल बताइए।
एक बार फिर से हम अपना क्वेश्चन दोहरा रहे हैं सर। एक व्यक्ति 200 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा 300 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, तो उसकी औसत चाल बताइए। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, बहुत ज्यादा सर। देखिए होता सर ना कि औसत चाल बराबर कुल तय की गई दूरी, कुल तय की गई दूरी बटा कुल लगा समय। देखिए कुल तय की गई दूरी, शुरू में कितनी दूरी है सर 200 प्लस, फिर कितनी दूरी है 300, और भी दूरी होता है प्लस कर देंगे बटा कुल लगा समय। आपको पता है ना, थोड़ा सा इधर दिमाग लगाइएगा, चाल बराबर दूरी बटा में समय, या समय बराबर दूरी बटा में क्या दोस्त, दूरी बटा चाल। अब आप बताइए दूरी का मान कितना है 200, चाल का मान कितना है 20, कटा दीजिए कितना आएगा 10। दूरी का मान कितना है 300 और चाल का मान कितना है 15, कटाइए कटा देंगे सर कितना, 15 दुना के 30 कितना आ गया। अब आप बताइए समय, समय का मतलब दोनों को प्लस कर देंगे, 10 प्लस 20 बराबर दोनों को जोड़िए 500 बटा में कितना दोस्त 30, 0 से 0 खत्म, 50 बटा कितना आ गया 3। इसी को सॉल्व कर देंगे 16 सही 2/3 किलोमीटर प्रति घंटा, यही उत्तर आ जाएगा। कोई दिक्कत, जो भी दिक्कत है बेशक अपना कमेंट्स किया करिए सर, क्योंकि पता है आप लोग कर्वे नहीं करते हैं सर। कोई भी समस्या है, कोई भी दिक्कत है, हमें जरूर बताइए सर, हम आपका ना बेशक कमेंट्स का इंतजार करेंगे और आपको बेशक बताने की कोशिश करेंगे सर, एकदम निश्चिंत होके सर। एक सवाल नोट कर लीजिए सर, क्वेश्चन नंबर 23 सर। एक व्यक्ति हो गया 400 किलोमीटर की दूरी, 400 किलोमीटर की दूरी 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा तथा 600 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। 30 सर, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, तो उसकी औसत चाल बताइए, तो उसकी औसत चाल बताइए। प्रश्नवाचक चिन्ह, उत्तर अपना कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा सर। ये था हम लोग का औसत चाल से सर, ठीक ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हमें जरूर बताइए सर। गुड, अब देखिए हम लोगों की बातें आरंभ होती है सर किस पे, औसत का अगला सर, गलत संख्याओं पर आधारित प्रश्न, गलत संख्याओं पर आधारित प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होता है सर, बहुत ज्यादा सर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग का 23 सर। देखिए ऐसे कह दें कि 100 संख्याओं का औसत, 100 संख्याओं का औसत 40 है, कितना है 40 है। गलती से एक संख्या, कितनी संख्या बाबू, एक संख्या, संख्या 60 के स्थान पर 70 ले लिया गया है, लिया गया है, तो संख्याओं का सही औसत बताइए, संख्याओं का सही औसत बताइए। कोई दिक्कत, चलिए समझाते हैं सर। आपको हमने बताया था ना, देखिए संख्या
गुणते औसत बराबर होता है दोस्त क्या? कुल। अब बताइए कितनी संख्या है? 100। कितना औसत है? कितना सर? 4। गुणा कर लीजिए। गुड, 4 हजार। कितनी संख्या लेना था? 60। जोड़ दीजिए, कितना ले लिया गया? 70। माइनस कर दीजिए, बटा में टोटल संख्या, टोटल संख्या 100। अब आप बताइए 4000 में 60 जोड़ेंगे, 4060, और उसमें से 70 घटाएंगे, 3900 कितना? 90। बटा में कितना? 100। 0 से 0 खत्म। अब यदि ये दशमलव हटाएंगे बाबू ना, तो यहाँ पर दशमलव लग जाएगा, 39 दशमलव कितना? 9। यही आपका उत्तर हो जाएगा। कोई दिक्कत? गुड। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 24 आप ही लोगों को लगाना है सर। जैसे कह दें कि 60 संख्याओं का औसत 50 है, 50 है। गलती से एक संख्या 80 के स्थान पर 90 ले लिया गया है, 90 ले लिया गया है, तो संख्याओं का सही औसत बताइए, संख्याओं का सही औसत बताइए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हमें उत्तर कमेंट्स बॉक्स में बताइए सर। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 25 फिर आप ही लोगों को बताना है सर। 80 संख्याओं का औसत 20 है, 80 संख्याओं का औसत 20 है। गलती से दो संख्याएं, एक नहीं दोस्त, दो संख्याएं, दो संख्याएं 70 और 80 के स्थान पर, 70 और 80 के स्थान पर 90 और 100 ले लिया गया है, पर 90 और कितना दोस्त? 100 ले लिया गया है, 100 ले लिया गया है, तो संख्याओं का औसत बताइए, तो संख्याओं का सही औसत बताइए। हाँ सर, यहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा लीजिएगा, कोई दिक्कत? कुछ करना नहीं है, 80 का गुणा 20 में करेंगे, 70 और 80 जोड़ देंगे और घटा देंगे, कितना? गुड, 90 और कितना? 100, और लास्ट में कितने से भाग कर देंगे? 80 से, आंसर आ जाएगा सर। उसी तरह से तीन संख्या गलती देगा तो शुरू वाला तीनों जोड़ देंगे, बाद वाला तीनों घटा देंगे सर, और जितनी संख्या रहेगी भाग कर सकते हैं सर, बेशक कोई दिक्कत नहीं होगी सर। गुड, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका सॉल्यूशन हमें बताइएगा सर। क्वेश्चन नंबर 26 सर, देखिए इसको आप ही लोग को लगाना, ये मत सोचिए जितना अभ्यास करेंगे उतना ज्यादा परिपक्व होंगे। देखिए पूछा जाता है कि किसी विद्यार्थी के पांच विषयों का औसत प्राप्तांक, औसत प्राप्तांक हो गया 80 है। गलती से विज्ञान विषय में हो गया 70 के स्थान पर, 70 के स्थान पर हो गया, स्थान पर 60 अंक ले लिया गया है, ले लिया गया है, तो विद्यार्थी का सही औसत प्राप्तांक बताइए। औसत प्राप्तांक बताइए, इसका उत्तर हमें कमेंट्स बॉक्स में बताइए सर। ये था 26 नंबर सवाल सर। क्वेश्चन नंबर 27 हम लोग का स्टार्ट होता है सर। देखिए 27वां नंबर क्या कहता है सर?
कहता है बाबू ना, देखिए क्रिकेट मैच पर आधारित प्रश्न, क्रिकेट मैच पर आधारित प्रश्न हो गया। देखिए कहेगा बाबू ना कि किसी बल्लेबाज द्वारा हो गया 10 पारियों में बनाए गए हो गया रनों का औसत हो गया 12 रन है हो गया। वह अगली पारी में कितना रन बनाएगी औसत रन 4 बढ़ जाए। प्रश्नवाचक चिन्ह फिर से क्यों दोहरा रहे सर? किसी बल्लेबाज द्वारा 10 पारियों में बनाए गए रनों का औसत कितना है सर? 12 रन है। वह अगली पारी में कितना रन बनाएगी औसत रन बढ़ जाए कितना सर? 4। चलिए देखिए आपको बताया गया था अभी कुछ समय पहले संख्या गुणे औसत हो गया बराबर क्या बाबू को? देखिए कितनी पारियां हैं, तो पारियां का मतलब संख्या, 10वीं पारी संख्या 20वीं संख्या होती है, संख्या 10, औसत बताइए कितना, 12 गुणा कर लीजिए, गुड 100 कितना 20। देखिए जब अगली पारी की बात होगी तो 10 पारी और अगली एक पारी तो कितनी पारी, 11 पारी, गुड दे औसत बढ़ जाए, औसत रन कितना बढ़ गया, कितना 4। तब आप बताइए 12 और जब 4 बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर 16 लिख दे कोई दिक्कत? अब देखिए 16 एकम 16, हाथ में लगा एक, 16 एकम 16 और एक ये लगा रहता है, प्लस कर देंगे 16 एक 17। अब बताइए 176 बढ़ा है कि 120, गुड माइनस कर दीजिए कितना आ जाएगा 56 रन, यही उत्तर हो जाएगा। कोई दिक्कत? अगला हमको बताइए आप लोग सर बढ़िया से, क्वेश्चन नंबर 28वां सर। किसी बल्लेबाज द्वारा 20 पारियों में बनाए गए रनों का औसत 42 है, 42 है, वह अगली पारी में वह कितना रन बनाएगी औसत रन तीन बढ़ जाए। प्रश्नवाचक चिन्ह, इसका उत्तर कमेंट्स बॉक्स में बताइए सर। गुड स्क्रीनशॉट ले लीजिए सर। हाँ सर, इस तरह से हम लोग का पार्ट नंबर 2 कंप्लीट होता है। पार्ट नंबर 3 कैसे बनाया जाए, आपको बनाया जाए कि नहीं बनाया जाए, हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए सर। हमें आपका उत्तर का इंतजार रहेगा सर। सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि सफलता ही जीवन की ना कुंजी है, और सफल कैसे होंगे सर? मेहनत करेंगे तब, और मेहनत करना बहुत आसान है सर। मेरे साथ लगिए और हम आपको पर डे इससे बेहतर, कल और बेहतर, नए अंदाज में, नए जोश के साथ हम लोग मिलेंगे। और रही बात दोस्तों कि यदि हम लोग अच्छे से मेहनत करते हैं तो हम लोग जरूर सफल हो जाएंगे, और हम लोग मेहनत भी करेंगे सर। और इस तरह से हम लोग की बातें कंप्लीट होती है इस वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक।